आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, हमें स्टेटमेंट दिया गया है कि जो हीमोग्लोबिन है इज सॉल्यूबल इन वाटर। सेकेंड बोला गया अल्फा केरेटिन इज सॉल्यूबल इन वाटर। थर्ड बोला गया सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। एंड फोर्थ बोला गया क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। ठीक है, तो देखो अब फर्स्ट जो बोला गया हीमोग्लोबिन इज सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो सोल्यूबल होता है वाटर में। कब होता है? देखो इसका वन पार्ट इन सेवन ऑफ वाटर में सोल्यूबल होता है। ठीक है, और जो हमारा ग्लिसरॉल है इसमें क्या होता है? स्लोली सोल्यूबल होता है। एंड स्लोली सोल्यूबल इन ग्लिसरॉल। ठीक है, सेकेंड बोला गया, तो देखो ये वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा क्योंकि हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेकेंड बोला गया जो अल्फा केरेटिन है वो सॉल्यूबल होगा वाटर में, ये बोल रहे हैं, है ना। जबकि क्या होता है, अल्फा केरेटिन जो होता है ये क्या होता है? इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, यानी कि अल्फा केरेटिन इज अ वाटर इनसॉल्यूबल फाइब्रस है। ये क्या है? वाटर इनसॉल्यूबल फाइब्रस। ठीक है, अब फाइब्रस प्रोटीन है ये। ठीक है ना, अब देखो और कंप्लीटली इनसॉल्यूबल है, मतलब ये क्या है? ये कंप्लीटली इनसॉल्यूबल होता है किसमें? जो या तो कोल्ड और हॉट जो वाटर होता है उसमें। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये इनसॉल्यूबल है, जबकि इसमें दिया हुआ है कि अल्फा केरेटिन सॉल्यूबल है। तो देखो ये स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है हमारा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। थर्ड बोला गया सेलुलोज इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। तो देखो जो सेलुलोज है हमारा वो क्या होता है? लीनियर पॉलीसेकेराइड पॉलीमर होता है। ये क्या होता है हमारा? लीनियर पॉलीसेकेराइड पॉलीमर होता है। ठीक है, विद मैनी ग्लूकोज मोनोसेकेराइड यूनिट्स। विद मैनी ग्लूकोज मोनो सेकेराइड यूनिट्स, तो ये वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ बोला गया कि जो क्लोरोफिल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट्स, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा सिर्फ ऑप्शन सेकेंड जो है जो कि बोल रहा है कि अल्फा केरेटिन इज अ सॉल्यूबल इन वाटर, यही स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ये जो होता है सॉल्यूबल मतलब इनसॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।